Hey guys, तो आज मैं आपके लिए सुपर सॉफ्ट अप्पे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हम एक बाउल में 1.5 कप सूजी लेंगे और उसमें हम 1 कप दही मिला लेंगे। दोनों को एक साथ अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करते जाएंगे और मिलाते जाएंगे और इसका एक स्मूथ बैटर बना के तैयार कर लेंगे। इसे हम 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। 5 मिनट बाद हम इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे। इसमें आप अपने मनपसंद की वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 1 कटी हुई शिमला मिर्च, 1 कटा हुआ गाजर और 1 कटी हुई टमाटर और 1 कटा हुआ प्याज डालकर अच्छी तरह से बैटर को हम मिला लेंगे। इसमें आप अपने स्वाद अनुसार नमक और हरी मिर्च डाल सकते हैं। फिर हम इसको चला लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक गाढ़ा स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। 1 चम्मच तेल में हम राई और धनिया डालकर बैटर में तड़का लगाएंगे और इस तड़के को हम बैटर में डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे, जिससे बैटर में बहुत अच्छी खुशबू आती है। फिर हम इसमें इनो डालेंगे और इनो के ऊपर 1 चम्मच पानी डालकर अच्छी तरह से बैटर में मिला लेंगे। फिर हम अप्पे का पैन लेंगे और इसको ग्रीस कर लेंगे। अच्छे से ग्रीस करने के बाद इसमें 1-1 चम्मच हम बैटर डालेंगे। ध्यान रखें, आप बैटर को 1 चम्मच से ज़्यादा ना डालें, क्योंकि अप्पे फूलते हैं तो वे बाहर आ जाएंगे, सेप से अपने अच्छे सेप फिर नहीं आएंगे। इसे हम ढक कर 2 मिनट पका लेंगे। फिर हम अप्पे में थोड़ा थोड़ा करके तेल डालेंगे और इसे सावधानी के साथ पलट लेंगे। फिर हम इसे 2 मिनट के लिए और पकाएंगे और इसके बाद अप्पे बनकर तैयार हो जाएंगे। आप इसे ब्रेकफास्ट में गर्मा गर्म अप्पे किसी हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाकर सबको खिला सकते हैं। यह काफ़ी हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है, क्योंकि इसमें खूब सारी वेजिटेबल होती है और ये सूजी से बनता है, तो ये काफ़ी हेल्दी रेसिपी मानी जाती है। तो अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।